दोस्तों, क्या आपको पता है कि अगर पिटबुल और टाइबेटन मैस्टिफ का अगर फाइट हो जाए तो आखिर में कौन सा डॉग ब्रीड जीतेगा? इस वीडियो में हमारे पास कुछ ऐसे पॉइंट है जो कि फाइट में बहुत ज़रूरी होते हैं, और इस वीडियो के एंड में अपन रिजल्ट में बताएंगे कि ये डॉग ब्रीड विनर है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सागर, आप देख रहे डॉग्स बायोग्राफी। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपन शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट आप लोग सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन यहाँ से दबाना, ताकि मैं कोई भी वीडियो को अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल के नोटिफिकेशन के बार में आए और आप फर्स्ट आके मेरी वीडियो देख सको और कमेंट कर देना मैं फर्स्ट। ठीक है, तो बात करते हैं अपने टॉपिक की, पिटबुल वर्सेस टाइबेटन मैस्टिफ। पहली बात, ये दोनों डॉग ही विनर है। ये दोनों डॉग को अगर तुम दूसरी डॉग ब्रीड से लड़ाओगे तो ये उनसे भी जीत जाएंगे, लेकिन अगर ये दोनों डॉग आपस में लड़ लिए तो कौन सा डॉग ब्रीड जीतेगा? तो चलते हैं अपने पॉइंट की तरफ। पहला पॉइंट है बाइट फोर्स। ठीक है, तो पिटबुल का जो बाइट फोर्स है वो है 235 पाउंड। अब बात करते हैं टाइबेटन मैस्टिफ के बाइट फोर्स की। तो टाइबेटन मैस्टिफ का जो बाइट फोर्स है वो है 556 पाउंड, मतलब 556 पाउंड। मतलब टाइबेटन मैस्टिफ का जो बाइट फोर्स है वो पिटबुल से 300 ज़्यादा है। आप देख सकते हैं डिफरेंस। तो याले पॉइंट में टाइबेटन मैस्टिफ जीतता है। सेकंड पॉइंट है अग्रेशन। तो पिटबुल का जो अग्रेशन लेवल है वो है हाई। अब बात करते हैं टाइबेटन मैस्टिफ के अग्रेशन लेवल की। तो टाइबेटन मैस्टिफ का जो अग्रेशन लेवल है वो भी हाई है। तो याले मतलब याले पॉइंट में ड्रॉ हो गया। बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। तो थर्ड पॉइंट है टेक्निक। तो टेक्निक में पिटबुल का जो टेक्निक है वो फर्स्ट है, मतलब एक नंबर टेक्निक है। पिटबुल अपनी टेक्निक से सामने वाले डॉग के गर्दन में अटैक करता है ताकि सामने वाला डॉग उसको काट ना पाए। अब बात करते हैं टाइबेटन मैस्टिफ के टेक्निक की। तो उसका टेक्निक लेवल 0 है। जी हाँ, 0 है। टाइबेटन मैस्टिफ जब तक 2 साल के नहीं होते, वो मैच्योर नहीं होते, और डॉग मैच्योर नहीं है तो उसके पास कोई टेक्निक नहीं है। फिर मैच्योर होने के बाद उसका टेक्निक लेवल आता है मीडियम। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की। तो फोर्थ पॉइंट है हाइट। तो हाइट है पिटबुल की है 45 सेंटीमीटर से 53 सेंटीमीटर। बात करें टाइबेटन मैस्टिफ की, तो टाइबेटन मैस्टिफ का जो हाइट है वो है 66 सेंटीमीटर से 76 सेंटीमीटर। फाइट में हाइट का होना ज़्यादा ज़रूरी है, तो यहाँ पर जीतता है टाइबेटन मैस्टिफ। बात करें एक और पॉइंट की जो है वेट, और हमारा फिफ्थ पॉइंट। तो वेट है पिटबुल का 15 किलो से 27 किलो तक। बात करें टाइबेटन मैस्टिफ की, तो टाइबेटन मैस्टिफ का जो वेट है वो है 45 किलो से 73 किलो तक। तो ये पॉइंट में भी टाइबेटन मैस्टिफ जीतता है। तो ये थे सारे पॉइंट। अब बात करते हैं रिजल्ट की। दोस्तों, अगर आपके पास कोई फीमेल डॉग है और उसने बच्चे दिए हैं और आप चाहते हो कि मैं उन जो डॉग के जो बच्चे हैं उनको अच्छे प्राइस में बेचूं, तो आप फटाफट ये कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहा है उसमें आप व्हाट्सअप करिए। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, मैं वीडियो बना के आपके डॉग को अच्छे प्राइस में सेल करा दूँगा, उसके बदले आपको थोड़ा कमीशन देना पड़ेगा। बात करें रिजल्ट की, तो टाइबेटन मैस्टिफ का बाइट फोर्स ज़्यादा है, हाइट ज़्यादा है, वेट ज़्यादा है पिटबुल से, अग्रेशन में दोनों इक्वल है, टेक्निक में टाइबेटन मैस्टिफ लो है। अब बात करते हैं पिटबुल की। तो पिटबुल बाइट फोर्स में कम है, हाइट में कम है, वेट में कम है, और अग्रेशन दोनों का सेम है, लेकिन टेक्निक में पिटबुल एक नंबर है, हाई है, और टेक्निक ही हर चीज़ होती है। अगर हम ह्यूमंस के पास भी अगर टेक्निक हो तो अपन उस टेक्निक से अपने से 2 गुना बड़े आदमी को, जिसके पास बॉडी है, हर चीज़ है, अपन उसको भी ज़मीन में धाराशाही कर सकते हैं। तो टेक्निक के चलते ओवरऑल विनर है पिटबुल, मतलब पिटबुल जीत चुका है। अब बात करते हैं रेशियो की, कि अगर ये दोनों डॉग का फाइट हुआ तो कौन सा डॉग जीतेगा। तो यहाँ देखा गया है, अगर टाइबेटन मैस्टिफ 2 साल से बड़ा हुआ तो टाइबेटन मैस्टिफ के जीतने के चांसेस है 50% और पिटबुल के जीतने के चांसेस है 50%। और अगर टाइबेटन मैस्टिफ 2 साल से नीचे हुआ तो टाइबेटन मैस्टिफ के जीतने के चांसेस है सिर्फ 30% और पिटबुल के जीतने के चांसेस है 70%, लेकिन ओवरऑल विनर तो पिटबुल ही है।
भले टाइबेटन मैस्टिफ हर चीज़ में ज़्यादा हो, लेकिन टेक्निकी सब कुछ है। तो दोस्तों, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना, और मेरी वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि आप लोग लाइक नहीं करते, तो लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना और बोलना कि भाई इस चैनल को सब्सक्राइब कर। अपना और अपने डॉग को ध्यान रखना, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन या से दबाना। मिलते हैं कल की वीडियो में, बाय बाय।